इसलिए पहला काम अपने डायमंड क्लब पर फोकस करना, पहला चीज अपने मेंटेलिटी के ऊपर हमला होता है उस पर उसको सहन करना सीखना है, पत्थर बनाना है पहला वर्ड। सेकंड काम, कभी कंपनी में शक मत करना। दूसरा काम क्या करना है, आरसीएम बिजनेस दुनिया की, मैं दुनिया की बोल रहा हूं, किसकी बोल रहा हूं, ये वर्ल्ड की पहली कंपनी है जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मजबूत है। पहली कंपनी जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत है कि ये वो कंपनी है जिसके पूरे हिंदुस्तान में 15,000 से ज्यादा दुकानें हैं, उसके बाद 200 डिपो उससे भी ज्यादा, और उन 200 डिपो में से 80% डिपो कंपनी की खुद की प्रॉपर्टी है। आपके शहर हरिद्वार है आसपास में कंपनी की प्रॉपर्टियां होंगी, मुझे नहीं दिया प्लांट भी है। अब बताइए इतना मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर किसका है। तीसरा काम, ये दुनिया की पहली कंपनी है जिसने एक आम आदमी के बारे में सोचा, ये दुनिया की पहली कंपनी है जिसका ओनर एक आम आदमी से एक आम आदमी की तरह मिलता है, ये दुनिया की पहली कंपनी है जो अपने 80% प्रोडक्ट खुद बनाती है, ये दुनिया की पहली कंपनी है जो आपको प्रोडक्ट बनते हुए दिखाती है, ये दुनिया की पहली कंपनी है जो 23 साल से लगातार काम कर रही है, ये दुनिया की पहली कंपनी है जिसने एक पैंट पीस से चालू किया आज 500 प्रोडक्ट है, ये दुनिया की पहली कंपनी है जो 2030 की प्लानिंग अभी से कर रही है, ये दुनिया की पहली कंपनी है जिसका मालिक पूरी रात जाग के कंपनी को और लोगों को आगे कैसे बढ़ाया जाए उस पर काम कर रहा है। अगर ऐसी कंपनी पर अभी भी आप शक करते हैं, डाउट करते हैं, बिलीव नहीं करते हैं, तो किसकी किस्मत खराब है, कंपनी की या हमारी, सोच ले। दूसरा काम, कंपनी में शक। तीसरा काम जिसको अपने बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है और वो है प्रोडक्ट्स को लगातार काम में लेना। अपने बच्चों को जितना प्यार करते हो उतना प्यार आरसीएम के प्रोडक्ट को करना सीख लो। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, आरसीएम का प्रोडक्ट हमारे बिजनेस की वो जान है, जितना ज्यादा काम में लोगे उतना कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होगा, और जितना कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होगा उतने तेजी से आप लोगों के सामने अपनी बात को रख पाओगे, अपने बिजनेस को बड़ा कर पाओगे, राइट सर। आपको चौथा काम ये करना है कि प्रोडक्ट्स को अपने परिवार का हिस्सा बनाना है और डायमंड क्लब को लगातार फोकस करना है, और कोई भी टारगेट है उसके ऊपर काम करना है। अभी गामा ओरिजिनल अल्टीमेट प्रोडक्ट, मैं खुद उस प्रोडक्ट की इतनी तारीफ करता हूँ कि आज मेरी खुद की बॉडी में उस प्रोडक्ट ने बहुत बड़ा रोल अदा किया। गामा एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसने अपने आप को ही, मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि उसको समय लगा, उसको लोगों तक पहुंचने में समय लगा, लेकिन उसके रिजल्ट जो आए हैं वो पूरे हिंदुस्तान के वो लोग बोल रहे हैं जिनका आरसीएम से कोई लेना देना नहीं। चीजें हैं हमारे पास, हमारे पास हथियार हैं, हमारे पास ब्रह्मास्त्र है, चला नहीं पा रहे, ताकत को समझ नहीं पा रहे। तो आपको प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस करना है, करेंगे 100%? करेंगे। चौथा काम, चौथा काम क्या है दोस्तों, अपने एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन के ना दो के पीछे बढ़ जाओ। अगर आपने आज ज्वाइन किया या आप मेरे लेवल पर भी हो तब भी अपने एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन के ना दो के पीछे पड़ जाओ। जीना हराम कर दो, सर मुझे बोलना सिखाइए, मुझे मार्केटिंग प्लान देना सिखाइए, मुझे घर में होम मीटिंग करिए, मुझे स्टेज पे कैसे बोला जाता है वो सिखाइए, रात को सोने से पहले घर पहुंच जाओ, सुबह उठने से पहले घर में रहो, कुछ भी करो, यहां तक नहीं माने तो कपड़े फाड़ दो, क्योंकि आरसीएम वो बिजनेस है कपड़े फाड़ने से भी पैसा आता है, राइट सर। अपनी एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन के ये चार काम पे अगर आपने ढंग से फोकस किया तो बाकी काम आपको ऑटोमेटिक समझ में आने लगे, बाकी काम आपको ऑटोमेटिक, ये चार काम करने कर सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं हम लोग, ये चार काम पर हमें फोकस करना है जिससे हम अपने बिजनेस को बहुत बड़ा कर सकते हैं, और एक दिन ऐसा मुकाम आएगा, ऐसा मुकाम आएगा जिसकी कल्पना आपने कल्पना भी नहीं की होगी। मैं बताता हूँ आप लोगों को, कई लोगों को घमंड होता है, कई लोगों को घमंड होता है कि यार मैं ऑलरेडी पैसे वाला हूं, मुझे आरसीएम की जरूरत क्या है, आई एम ए डॉक्टर, मुझे आरसीएम की जरूरत क्या है, आई एम इंजीनियर, मुझे आरसीएम की जरूरत क्या है, मैं किसान, मेरे पास 600 बीघा है, मेरे पास 800 बीघा है, मेरे पास 1000 बीघा है, मुझे आरसीएम की जरूरत क्या है। गलतफहमी दिमाग से निकाल देना, अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं ना, गलतफहमी निकाल देना उनके दिमाग से, मुझे पता आप ऐसे नहीं है, लेकिन अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं तो उनके दिमाग से गलतफहमी निकाल देना,
अच्छे अच्छे करोड़पति भी इस बिजनेस के आगे फेल है। अब कैसे है बताता हूं, आवाज में प्रॉब्लम हुआ है, कैसे है ये बताऊं आप लोगों को। मैं एग्जांपल देके समझाता हूं आपको, मेरे साथ रियल में ऐसा हुआ था। ये बात है जयपुर की, मेरी बहन, मेरी छोटी सिस्टर जिसकी शादी हुई और जिस परिवार में उसकी शादी हुई, थोड़ा सा उसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ, फैमिली कैसी है, डिसीजन आप लोग बताना मेरे को कि कैसी फैमिली है। मेरी बहन जहाँ पर जहाँ उसकी शादी हुई, उनका 5-स्टार होटल है जयपुर में 4 से 5, पूरे यूरोप की 25 कंट्रीज के अंदर उनके डायमंड्स के और कारपेट्स के शोरूम है, हैंडीक्राफ्ट के शोरूम है। मेरी सिस्टर का खुद का पर्सनल उनके घर में हेलीकॉप्टर है, 80-90 कारें एट ए टाइम घर में रहती है, 2,000 करोड़ का उनका टर्नओवर है। होटल का नाम है गूगल पे डाल के सर्च कर लो, होटल शिव विलास पैलेस जयपुर राजस्थान, अभी डाल लेना, सर्च कर लेना, वो प्रॉपर्टी देख लो कैसी है। वो मेरे सिस्टर के ससुर जी की, मतलब मेरे सिस्टर के हस्बैंड की है, राइट। रूम सबसे सस्ता है, 34,000 रुपया एक रात का किराया, और सबसे महंगा रूम है 7,00,000 रुपया एक रात का, ठीक है। उस परिवार में मेरी बहन की शादी हुई। अच्छा, उनकी शादी में जो अंग्रेज आए थे सैनी साहब, लगभग 1,000 फॉरनर आए थे। उन सब फॉरनर्स को, लेडीजों को तो हमारे राजस्थान की घाघरा लुगड़ी, और जेंट्स को सलवा, वो होता है ना, वो क्या बोलते हैं, शेरवानी, उन्होंने सिलवा के दी थी। 1,000 फॉरनर आए थे मेरी बहन की शादी में, और बारात थी 3,000 से 4,000 लोगों की जहां मेरे बहन की शादी हुई। ठीक ठाक फैमिली है। कम तो नहीं है, कमजोर तो नहीं है। होटल का नाम भी बता दिया, ज्वेल एंड गोल्ड पैलेस के नाम से उनका जयपुर में शोरूम भी है, वो भी सर्च कर लेना, ठीक है। इंडियंस को डील करते नहीं है, टोटल फॉरनर्स को डील करते हैं। टोटली भी पैलेस ऑफ व्हील, जिसका आप ट्रेन का नाम जानते होंगे, शाही ट्रेन, वो पूरी ट्रेन उन्होंने बुक कर रखी है इस साल की, पूरी कंप्लीटली उसका टेंडर उन्हीं के पास है। क्या हुआ, ठीक ठाक है मामला? आप लोग बड़े शान लग रहे हैं। वहां मेरी बहन की शादी, मेरी दूसरी बहन दिल्ली में, उनका स्टोन्स का बहुत बड़ा काम है, वो टॉप 5 दिल्ली के टॉप 5 बिजनेसमैन में से एक आते हैं वो, मतलब स्टोन्स का, इटालियन स्टोन्स का बहुत बड़ा वर्क है। मेरी दूसरी बहन उस परिवार में, मेरी दोनों बहनें बहन सेटल्ड है मेरे को छोड़ के। मैं सेटल नहीं हूं, मैं हो रहा हूं, मतलब मैं ऑलरेडी उनसे ज्यादा सेटल्ड हूं, समझ रहे हो आप। अभी बताता हूं कैसे। मेरी बहन के यहाँ पर फंक्शन था, मुझे बुलाया गया, भैया हमारे यहाँ पे फंक्शन है, तेरे को आना है। जब बहन के फंक्शन होगा तो भाई तो जाता ही है। मैंने कहा ठीक आऊंगा, मैं चला गया। अब पैसे वालों का दोस्त कौन होगा? पैसे वाला ही होगा। और वहां पर बड़े बड़े बिजनेसमैन आ रहे हैं, कोई रॉल्स रॉय में, कोई लिम्बोसिन में, कोई मर्सिडीज में, कोई ऑडी में, कोई BMW में, आए हैं, एक से बढ़कर एक गाड़ियां धमाधम अंदर आ रही है। हम भी अपनी BMW में छोड़े होके गए, वहां ले जाके खड़ी कर दी साहब, अंदर से आवाज आई, अजय रवि जी, मैं कहा बिल्कुल आ रहे हैं साहब। वहां 3-4 पुराने जानकार मेरे को मिल गए, पैसे वाले लोग थे, घमंड जो पैसों का होता है ना, कि मैं पैसे वाला नहीं करूंगा, सुनना। मेरे को अंदर बुलाया, मैं अंदर चला गया, मेरे को बोला और रवि कैसे हो, मैं कहा बढ़िया, क्या चल रहा है भाई? क्या बोला मुझे भाई? मैंने बोला हाँ भाई। अरे चल रही है क्या? इस सवाल ने जीना आराम कर रखा। तो मैंने कहा हाँ हाँ। कितनी चल रही है? मैंने कहा बहुत चल रही है। कुछ आता है क्या? मैंने कहा थोड़ा बहुत आ जाता है, खर्चा पानी निकल जाता है। हम राउंड टेबल पे बैठ गए साहब। अब राउंड टेबल पे बैठने के बाद उन लोगों ने बातें चालू करी। एक ने बोला मैंने फैक्ट्री डाली भी 400 करोड़ का टर्नओवर किया, एक ने बोला 200 करोड़ का किया, 300 करोड़ का किया। बातें बड़ी बड़ी हो रही थी, मैं मेरे चुपचाप बैठा हुआ था।
मैं शांति से बैठा रहता हूँ। अब मैं शांति से बैठा रहा, मैंने सुनता रहा उनकी बातें, मैंने कहा चलो ठीक है आप लोग बोल रहे हो, इट्स ओके फाइन, ठीक है। अब बात क्या हुई दोस्तों कि मेरे को एक सज्जन वहां पर बोले कि रवि एक काम कर बेटा, तू को ढंग का काम कर। मैं आश्चर्य में पड़ गया, ढंग का काम मतलब। मैंने कहा बोलिए बेटा, तू तेरे जीजाजी की तरह कोई होटल खोल, बड़े बड़े शोरूम खोल, ये क्या हल्दी धनिया बेचता फिरता है पूरे जयपुर में, पूरे हिंदुस्तान में। तो मैंने कहा जी मेरे हल्दी धनिया में क्या कमी है, अरे कहीं इज्जत वाला काम कर यार। अब वो एक ने छेड़ा तो बाकी तीन तो ऑटोमेटिक मरे हुए मुर्दे जिंदा होने ही। हमारे यहाँ पे क्वालिटी है, एक नेगेटिव बोला नहीं, चार और निकल निकल के आएंगे पता नहीं क्या। अब वो आ गए चार, और तीनों चारों ने मेरी बेइज्जती करना स्टार्ट कर दिया। अब सर बहुत देर तक बेइज्जती हुई है, पावर ऑफ द डायरेक्ट सेलिंग इज आरसीएम बिजनेस की ताकत बताने जा रहा हूँ। बात किसकी आई, मेरी या तो हम आरसीएम वाले बोलते नहीं और एक बार बोलने लगे तो फिर हम छोड़ते। मैंने कुछ नहीं किया दोस्तों उन लोगों का घमंड तोड़ने के लिए कि वो पैसे वाले हैं। मैंने कहा आपका फोन देना सारे के सारे, सबने बोला ये ले। मैंने भी अपना फोन जेब से निकाला, मैंने उनके फोन लिए, अपना फोन लिया, सारे फोन इकट्ठे करके बाहर चपरासी खड़ा था, एक आदमी खड़ा था, उसको पकड़ा दिया, उसको कहा इस गेट से बाहर जाके खड़ा होता। बोला फिर उस गेट को बंद कर दे और दो महीने तक खाना अंदर आएगा और कोई अंदर नहीं आएगा। समझ वाली बात, दो महीने तक सिर्फ, बाकी ना फोन अंदर आएगा ना आदमी अंदर आएगा। अंदर हम माता फोड़े, एक दूसरे का सर फोड़े, फुटबॉल खेले, कबड्डी खेले, वो हमारा अटैक है। दो महीने बाद देखते हैं किसकी दुकान चल रही है और किसकी बंद। वो मेरे को बोले तेरा दिमाग खराब हो गया है, मुझे सैलरी बांटनी है। दूसरा बोलता है अरे मेरे को तो नहीं फैक्ट्री डाली उसका माल मंगवाना है। तीसरा बोलता है ये करना। मैं क्या हो गया, हवा निकल गई आप लोगों की, आप तो करोड़पति लोग थे ना, आप क्या हो गया, आपका तो करोड़ों का इन्वेस्टमेंट था ना, क्या हो गया, मेरा तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। उसके बाद भी मैं टेंशन फ्री अपने को बोल रहा हूँ कि दो महीने बाद देखते हैं किसके अकाउंट में पैसा आता है और किसका बिजनेस बढ़ता है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा बिजनेस कौन है, ये रहा। मुझे कैद कर सकते हो, मुझे कैद कर सकते हो, मेरी टीम को तो नहीं कर सकते। अगर गलती से यहाँ पर आ गई ना तो ये होटल से ही देके ईंट उठा के ले जाएगी। बोले ऐसा होता है क्या, तो उनका बोलना था, मेरा फोन मंगाना था, मैंने रिफ्रेश किया। इधर तो आपको पता है हमारा बिजनेस तो नंबर और सेकंड में बदलता है। इधर मैंने रिफ्रेश किया 50,000, रिफ्रेश किया 1,00,000। बोले ये क्या हो रहा है, मैंने कहा बिजनेस चल रहा है। तो मजाक लगा रखी है क्या, मैंने कहा मजाक तो आप कर रहे थे, सीरियस मैं कर रहा हूँ। मैंने कहा माल बिक रहा है दोबारा, आप बताओ कि सिक्योर कौन, आप या मैं, आप बताओ कि लाखों रुपया लगाने के बाद जिंदगी किसकी बेहतर, आपकी या मेरी, अब मुझे बताओ कि चैन से कौन सोता है, आप या मैं। अरे करोड़ों रुपया लगाने के बाद भी आप लोग सिक्योर से जिंदगी नहीं बिता पा रहे हैं, या 0 रुपया लगाने के बाद भी टांगी ऊंची करके 30-30 सोते रहे। इसलिए करोड़पतियों का मुंह बंद हो गया दोस्तों, वो उनका चेहरा लटक गया। अगर गलत फहमी दिमाग में पाल रहे हो कि करोड़ों रुपया है, तो मैं कह देता हूँ कि बड़े बड़े समुद्रों में अगर छोटी छोटी नदियां आके ना मिले ना, तो समुद्र भी सूख जाता है। इसलिए याद रखना आरसीएम वो व्यापार है जो कभी भी आपके समुद्र को सूखने नहीं देगा, आपको कभी जिंदगी में हारने नहीं देगा। दुनिया के हर व्यवसाय या हर काम का हो सकता है आपकी इनकम खत्म हो जाए, कम हो जाए, लेकिन यहाँ हमेशा दरवाजे खुले रहेंगे और आपके अकाउंट में ट्रांसफर हर महीने होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। अरे मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि एक बार तो मेरी और डीसीजी की लड़ाई हो गई। डीसीजी ने मेरे को बुलाया, रवि कहाँ पर है, मैंने कहा आरसीएम वर्ल्ड में, जल्दी आ। मैंने कहा हुआ क्या,
हाथों से ही मैंने कहा आया, मैं पहुंच गया डीसीजी के ऑफिस की तरफ। अब वो इधर से तो मैं ऑफिस में एंटर कर रहा, उधर से वो निकल रहे। मैंने कहा क्या हो गया? तो डीसीजी मेरे को बोला, अरे यार 2 मिनट मेरे साथ चल। मैंने कहा चलो। अब डीसीजी धीरे धीरे भाग रहे, मैं भी भाग रहा, हम दोनों भाग रहे। मैं क्या हुआ? अरे यार काम अर्जेंट आ गया। मैंने कहा क्या हुआ, क्या बताओ तो सही। अरे यार वो कर्नाटका में डिपो की गाड़ी जानी थी जो पहुंची नहीं अभी तक, यार पता करके आ रहा हूँ। अच्छा फिर बोले यार वो 2 पिकअप सेंटर वाले का फोन आया यार, उनके उनकी उनकी लड़ाइयों से मैं परेशान हो गया यार, आए दिन लड़ते रहते हैं, उनका भी हिसाब करना। मैंने कहा अच्छा फिर। अरे वो फैक्ट्री डाली थी यार अपन ने, नहीं उस फैक्ट्री में माल आया, वो तुलसी पेंट का माल भी नहीं पहुंचा। मैंने कहा अच्छा फिर। मैंने कहा इतने परेशान क्यों, तो आरसीएम ज्वाइन कर लो। आपका बनाता हूँ 6 महीने में रॉयल्टी पे आपको। मैंने कहा 23 साल में समझ में नहीं आया यार। हम पूरी दुनिया को समझा रहे, आपको समझ में नहीं आ रहा, लगे पड़े हो बिना बात के फैक्ट्री को बैठ के डाले जा रहे हो। सब बंद करो, ज्वाइन करो फटाफट आरसीएम। और हंसने लग गए जो जो। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि इस कंपनी के ऑनर से भी ज्यादा सिक्योर हम लोग। उनको भी लाखों रुपए की टेंशन, उनको भी माल बनाना है भेजना है, पर हमें काहे की टेंशन। और उसके बाद भी अगर आरसीएम समझ में नहीं आता तो दोस्तों किसको दोष दोगे? कोई कंपनी आपको 1 महीना पागल बना सकती है, 1 साल बना सकती है, 23 साल तो नहीं बना सकती। 23 साल 2 दशक से ऊपर हो चुका है, 2 दशक से ऊपर। इसलिए फ्रेंड सीरियस हो, ये बातें करने के लिए बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन बहुत ज्यादा लंबा समय ले चुका हूँ मैं आप लोगों का, काफी लंबा समय टाइम ले चुका हूँ। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग इस बिजनेस पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, लगातार चलते रहिए। मेरे पास बातें खूब बताने के लिए, मेरे पास कोई कमी नहीं, मैं रात कर दूंगा, लेकिन अल्टीमेटली गालियां आप मुझे बाद में भगोगे। एक साथ देखिए, इससे पहले कि अब आप लोग अंदर से मुझे भगना स्टार्ट करो, मैं अपना आपको रोक लेता हूँ। और मैं यही कहना चाहूंगा कि मिलकर वर्किंग पैटर्न स्टार्ट कीजिए, मिलकर काम कीजिए, अपनी टीम का सपोर्ट कीजिए, नेगेटिव को ढूंढना बंद कीजिए, पॉजिटिव को ढूंढना स्टार्ट कीजिए, और अपनी दोनों लेगों पर फोकस कीजिए। आपकी ये दोनों लेगे आपके 2 बच्चों के समान है, कभी भी इनको फर्क महसूस न करें। मैंने कुछ चीजों लोगों को देखा है, एक बेटे को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, दूसरे बेटे को कम प्यार करते हैं। ये अवधारणा अपने दिमाग से निकाल लो, अगर ये सोच रखोगे जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। इस अवधारणा को बदलो। इसका सबसे बेस्ट तरीका पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना, पांचवा महीना, 6 महीना, एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ। पहला महीना 60 और 40 का रेशियो रखिए, 60% आपको इसमें काम करना है, 40% इसमें काम करना है। दूसरा महीना जैसे स्टार्ट होता है 40% इसमें काम करना है और 60% इसमें काम करना है। तीसरा महीना स्टार्ट होता है तो 60% इसमें काम करना है, 40 इसमें करना है। चौथा महीना स्टार्ट होता है वापस से तो 40% इसमें काम करना है, 60% इसमें काम करना है। अगर ये फॉर्मूला आपने अपनाया तो आपकी दोनों लेगे पैरेलल वर्क करेगी, और पैरेलल वर्क करेगी तो आपका बिजनेस तेजी से बढ़ेगा। आप गलती क्या कर रहे हैं? ये आप देख लेना, इसको मैं देख लूंगा। कोई गलती करती इसमें है तो आप ही का बच्चा, आप ही का बच्चा से मतलब आप ही की टीम, आप ही का बेटा। ये थॉट बदल लो। सेकंड पॉइंट, हमेशा अपलाइन के भरोसे मत बैठना, अपलाइन का इंतजार मत करना कि अपलाइन आएगी तो करूंगा या अपलाइन सपोर्ट करेगी तो करूंगा, क्योंकि आप भी किसी की अपलाइन है। इसलिए अपने आप को सेल्फ चार्ज करो, सेल्फ स्टार्ट करो और सेल्फ आगे बढ़ने की ताकत रखो।
राइट सर, कभी भी अपने अप्लायंस को गालियां देना बंद कर दो और अपना काम स्टार्ट कर दो। गालियां से मतलब मेरा यहाँ पर क्या है, मतलब उनका वेट करना, वो नहीं आई कब तक आएगी, अगर सर आप आएंगे तो मैं ये काम करूंगा, अरे सर ये नहीं हो रहा। अरे आप खुद अपना दिमाग भी लगाइए ना इसके ऊपर, कहाँ दिक्कत आ रही है। ज्यादातर गलती तो होगी, गलती होगी तो अप्लायंस से डिस्कस कीजिए, गलती होने से पहले आप तो पूरी कहानी को निचोड़ के रख देते तो कहां से बिजनेस बड़ा होगा। दूसरा वर्क क्या करना है, अपलाइन का वेट कम करके खुद के वर्किंग पैटर्न को डेवलप करना है। इस तरीके से कर सकते हैं हम लोग ये काम, कर सकते हैं। तीसरा काम जो सबसे महत्वपूर्ण काम है, इस बिजनेस को जितना दूर जाके चालू करोगे सफलता उतनी जल्दी आपको मिलेगी, और इस बिजनेस को जितना पास से स्टार्ट करोगे सफलता उतनी धीरे आएगी। सिंपल सा नियम है, अगर हरिद्वार से बाहर नहीं निकले तो भैया कभी रॉयल्टी से ऊपर नहीं जा पाओगे। और जिस दिन आपने उत्तराखंड को छोड़ दिया और आप राजस्थान में घुस गए, महाराष्ट्र घुस गए, आप वेस्ट बंगाल में घुस गए, उधर जाके बिजनेस को डेवलप किया, तो आपकी सफलता बहुत तेजी से आने वाली है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर फैलते हुए चले जाओगे, पूरे हिंदुस्तान में अपना साम्राज्य डेवलप करते चले जाओगे। इसलिए मेरा तीसरा फॉर्मूला, बिजनेस को जितना दूर हो उतना जाके डेवलप करिए, पास से डेवलप करना बंद कर दो। कोई फर्क नहीं पड़ता 6 महीने अगर आपने अपने घर को छोड़ दिया तो, अगर चाहते हो कि पूरी जिंदगी आपके बेटे का हाथ ऐसे रहे ना कि ऐसे रहे, अगर ये हाथ होता है देने वाले का, और देता वही है जिसके पास बहुत कुछ होता है। अगर आप चाहते हो कि आपका बेटा जिंदगी भर किसी का गुलाम ना बने तो 6 महीने अपना घर छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। साल भर अपना घर छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 50 साल में से 1 साल माइनस ही होगा, 1 साल माइनस होने का मतलब आपकी जिंदगी आने वाली 5 पीढ़ी तक सुधर जाएगी। निर्णय आप लोगों को लेना है क्या करना है क्या नहीं करना। उसके बाद चौथा, कोरोना वायरस के बारे में हम सब अच्छे से जानते हैं कि मार्च 2020 में एंटर हुआ और उसने हमारे परिवारों को बर्बाद कर दिया, राइट सर। कोरोना वायरस, मैंने, मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने उस वायरस से कुछ सीखा या नहीं सीखा, पर मैंने बहुत कुछ सीखा, मैंने बहुत कुछ सीखा कोरोना वायरस से। मैंने वो सीखा जिसकी कल्पना मैं आपको क्या बताऊं। देखिए कोरोना वायरस से क्या सीखने को मिला, जानना चाहते हैं? कोरोना हिंदुस्तान के अंदर मार्च 2020 से दो लोगों ने नेटवर्क के ऊपर बहुत तगड़े तरीके से काम किया, एक तो RCM बिजनेस और दूसरा कोरोना वायरस। दोनों ने नेटवर्क बनाया। क्या बनाया दोनों ने? कोरोना वायरस का पेशेंट बोलता, आप मेरे गले लग जा मैं तेरा हो जाऊंगा। RCM का डिस्ट्रीब्यूटर बोलता, आप मेरे गले लग जा मैं भी तेरा हो जाऊंगा। दोनों ने नेटवर्क बनाया, राइट सर। एक ने नेटवर्क बना बना के देश को बर्बाद कर दिया, लोगों को बेरोजगार कर दिया, लोगों की नौकरियां छीन ली, परिवार में से लोगों को जान से मार दिया, बच्चों को अनाथ कर दिया, यहाँ तक कि हम 2 साल के लिए घरों में कैद हो गए, सड़क पर चलते गाय कुत्ते भी कंफ्यूज थे कि इंसान कहाँ चले गए है या नहीं। वो हालात हमारे हो चुके थे, भाई भाई को पसंद नहीं कर रहा था, अगर परिवार में भी किसी की डेथ हो जाती तो परिवार का दूसरा आदमी उससे मिलने नहीं जाता था। उस वायरस ने हमारे देश के ट्रेनों को रोक दिया जो वर्ल्ड वॉर में भी नहीं रुकी, हवाई जहाजों को रोक दिया, चाइना से चालू हुआ और अभी भी शांत होने का नाम नहीं ले रहा। ये है कोरोना वायरस की से सीखे हुए नेटवर्क की ताकत। अब कोरोना से सीखो नेटवर्क की ताकत और उसको आप अप्लाई कर दो RCM के अंदर। अगर यही नेटवर्क आपको RCM में बनना लग जाए तो क्या होगा, वही होगा जो 2 साल में हुआ। कोरोना वायरस के पीरियड में जब सब रो रहे थे, RCM का डिस्ट्रीब्यूटर हंस रहा था, जब लोगों की इनकम खत्म हो रही थी, यहाँ पे सबको इंसेंटिव मिल रहा था, एक का भी कमीशन नहीं रुका, एक का भी कमीशन आधा नहीं हुआ, लगातार कंपनी ने अकाउंट में पैसा भेजा, घर बैठे बैठे लोगों का बिजनेस बढ़ रहा था, जहां मेरी पूरी कॉलोनी रो रही थी मैं छत पे खड़ा होकर जोर जोर से हंस रहा था। ये ताकत थी इस बिजनेस की कि उसने मुझे हंसने के लिए मजबूर कर दिया, उसने मेरी टीम के अंदर लोगों के घरों में इनकम पहुंचाई। बुरे वक्त में भी RCM ने किसी का साथ नहीं छोड़ा। ये है नेटवर्क की ताकत, जो आपको मैं बार बार सिखा रहा हूँ। इसलिए प्लीज प्रोडक्ट को काम में लेके नेटवर्क के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए। हम आपका हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। लगातार डायमंड क्लब पे फोकस कीजिए, लगातार टारगेट्स पे फोकस कीजिए, कमियां ढूंढना बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर आपको कोई कमी लगती है, आपको कोई चैलेंजेस आते हैं तो हम आपके साथ खड़े हैं। अगर नमक की थैली खत्म हो गई इसका मतलब नेगेटिव नहीं होना है, कोई बात नहीं, यहाँ पे प्रोडक्ट कम हुआ तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा।
लगातार अपनी टीम को आगे बढ़ाइए, बाहर जाके बिजनेस को डेवलप कीजिए। अगर कोई कमी रहती है तो हम बैठे हैं दोस्तों आप लोगों के साथ, और हमारे जैसे भूत यहाँ पर आते रहेंगे और आपके बिजनेस को बड़ा करते रहेंगे। और इसी कड़ी के अंदर नेक्स्ट मंथ में आपके सामने यहाँ पर मौजूद होने वाले हैं इस बिजनेस में हमारे यूनिक एजुकेशन सिस्टम के प्रेसिडेंट, जो बहुत जल्द बहुत तेजी से आपके शहर में आने वाले हैं, मिस्टर प्रहलाद राय जी, जो आपके बीच में बहुत जल्दी मौजूद होंगे, जो आपको अपने बिजनेस के बारे में बताएंगे, वो अपने बिजनेस का अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि किस तरीके से बिजनेस और क्या क्या देता है। सिर्फ आपको इस मंदिर पे माथा टेकना है, आपको लगातार यहाँ पे अपने प्रेजेंस को बनाए रखना है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट डेट कौन सी है, 21 जनवरी के दिन आपको अपनी डायरी में नोट करके रखना है। और उस दिन अगर आप लोग, आज मुझे नहीं पता है इस हॉल में 400 लोग हैं 500 लोग हैं कितने हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जितने भी अगर आपने दो दो की तैयारी कर ली तो शायद हरिद्वार में इससे बड़ा हॉल नहीं मिलने वाला, राइट सर। और ये काम 6 महीने करके देख लीजिए, मैं 6 महीने में वादा करता हूँ कि आने वाले 6 महीने, उसके आने वाले 6 महीने में आप सब लोग यहाँ पर खड़े होंगे और पब्लिक आपके लिए तालियां बजा रही होगी, लोग आपके लिए तालियां बजा रहे होंगे, राइट सर। हम कर सकते हैं काम, हम आगे बढ़ सकते हैं, सपने पूरे कर सकते हैं, कमिटमेंट करते हैं अपने आप से, हार तो नहीं मानेंगे, डायमंड क्लब को फोकस करेंगे, पॉजिटिव बने रहेंगे, नेगेटिव बहुत ढूंढ लिया जिंदगी में, नेगेटिविटी से बाहर निकल जाइए, और जब जब आपको हमारी याद आए हम आपके सामने खड़े हैं। और याद रखना, अगर एक ओपी शर्मा इतना कुछ कर सकता है तो अगर सारे ओपी शर्मा बन गए तो हिंदुस्तान का नक्शा बदल सकते हैं, हिंदुस्तान का नक्शा बदल सकते हैं। इसके अनुभव आप इंतजार करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतनी देर मेरे को झेला, मेरी बातों को सुना, मेरी भावनाओं को सुना, और उम्मीद करते हैं कि ये टीम नंबर 1 टीम बन के दिखाई की उत्तराखंड की। हेलो आज नहीं आ रही मेरे कान के पर्दे में, 6 दरवाजा तेज बोलिए, हेलो हेलो हेलो, जय आसियो, जय आसियो, जय आसियो, डायमंड जाना है, डायमंड, जो बोले उनका धन्यवाद, और जानो नहीं बोले, जो नहीं बोले उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वो हमारे बच्चों का भविष्य है, उनके आगे बोलेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।